हार्दिक पटेल की कथित सीडी जारी करने वाले की केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के साथ तस्वीर वायरल। मंत्री ने कहा बीजेपी का लेना देना नहीं। हार्दिक बोले 18 को करूंगा सीडी का पर्दाफाश। देश में रेल यात्रा के लिए सुरक्षा के साथ हो रहे खिलवाड़ पर एबीपी न्यूज का बड़ा खुलासा। टिकट के पहचान पत्र के लिए धड़ल्ले से बन रहे हैं फर्जी आधार कार्ड। मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने के लिए जजों के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ता ने जांच के लिए एसआईटी बनाने की मांग की है। कल के मुकाबले आज दिल्ली में प्रदूषण कम। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 61 अंकों का सुधार। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का भी अनुमान। आज भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या से निकाय चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। यूपी में सरकार बनने के बाद पहली परीक्षा। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घर, होटल और गेस्ट हाउस की आज होगी नीलामी। दिल्ली के विजय विहार में वीरेंद्र देव दीक्षित उर्फ शिव बाबा पर लगा आध्यात्म के बहाने रेप करने का आरोप। आश्रम में पहले रह चुकी लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस और आतंकियों में मुठभेड़, दो आतंकी ढेर, एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। फिर पड़ी महंगाई की मार। खुदरा महंगाई दर 7 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। सितंबर के मुकाबले दोगुने हुए सब्जियों के दाम। नवी मुंबई के जुईनगर के बैंक ऑफ बड़ौदा में सुरंग बनाकर करोड़ों रुपए की चोरी। बगल के जनरल स्टोर से सुरंग बनाकर बैंक में घुसे चोर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।